आफ्टर बाहुबली 2 प्रभास को फुल 100% यूज करेगा प्रशांत नील। मतलब जिस हिसाब से KGF चैप्टर 2 बनाया है, अगर उस हिसाब से मूवी बना तो दिस गोना बी ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स। सो लेट्स वॉच दिस वन। Confusion. Lion, cheetah, tiger, elephant. Very dangerous. Jurassic Park. You are dying. Because in that park, there is a September 20th। यू नो व्हाट इज द मेन प्लस पॉइंट एंड यूएसपी कह सकते हैं, द बैकग्राउंड म्यूजिक। मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक सुपर्ब। मतलब KGF 2 जब थिएटर में आया था, मतलब उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक ना, वो आपको एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होने दे रहा था। तो वही चीज़ सलार में भी है। फैंटास्टिक रवि भाषु जी का बैकग्राउंड म्यूजिक है, एंड प्रभास का जो इंट्रोडक्शन है एंड जो एटीट्यूड है, वो दैट इज मतलब अनमैचेबल अनमैचेबल। अब KGF 2 से अभी इसको कंपेयर करना बेवकूफ़ी होगा। KGF 2 KGF 2 के जगह में है, लेकिन यही वो डार्क थीम वाला मूवी का नेक्स्ट पार्ट है। आई थिंक प्रशांत नील विल गो बियॉन्ड KGF 2, एंड इसमें यश का तो एक झलक जरूर मिलेगा। ये तो होना ही है, मतलब यश के बिना तो सलार बनेगा नहीं। एक सीन तो रहेगा ही रहेगा, एंड साथ में प्रभास का जो यूटिलाइजेशन इसमें हुआ ना, दैट इज 100%। मतलब प्रभास का टैलेंट को यूटिलाइज नहीं हो रहा है। ए मूवी वो मूवी मिल रहा है, छाव मिला, आदिपुरुष मिला। आदिपुरुष का तो नाम ही मतलब, लेकिन प्रभास का जो रियल पावर है वो इसमें दिखाई देगा। तो आई थिंक हाइप इज ऑन द स्काई। मतलब ये अभी लगभग 100 मिलियन इसका व्यू हो गया ये टेजर का, और ये 5 लैंग्वेज में रिलीज होगा। एंड बैकग्राउंड म्यूजिक सुपर, जितना इसका तारीफ करें कम है। एंड साथ में जो विलेन है आपका पृथ्वीराज सुकुमारन, वो भी एक ऑसम एक्टर है। तो देखा जाए तो ये मतलब हिट से भी बढ़ के कुछ होगा तो होगा। एंड RRR में तो टाइगर लायन सब था, चीता था, और इसमें जुरासिक पार्क है। जुरासिक पार्क है ये, एंड उसमें डायनासोर ही रहता है। तो प्रभास अपने आप को डायनासोर समझ रहा है, मतलब डायरेक्टर बना रहा है, एंड रियली वो है भी। मतलब अगर एक्शन का उस लेवल हुआ तो कोई नहीं रोक पाएगा। तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस वन, एंड आप लोग अगर एक्साइटेड है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, टिल देन बाय बाय।